खबर यूपी के जनपद बहराइच से सामने आ रही है। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश और राजनीतिक इकाई बहराइच पुत्तीलाल यादव जिला प्रवक्ता की अगुवाई में नई तहसील परिसर कैसरगंज में धरना देकर तहसील प्रशासन को दिया गया ज्ञापन। तहसील कैसरगंज क्षेत्र के जरवाल 28 से नासिरगंज संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाए व अब्दुल्ला पकड़ी से नई सड़क बन रही उसमें विभाग तथा दबंग ठेकेदार की मिलीभगत से कई जगह नीचे बालू डाला गया है, जिसकी जांच कराकर सड़क का निर्माण मानक के अनुसार कराया जाए। आपको बता दें, संपर्क मार्ग धोबिया पूर्वा को जाने वाली सड़क की जांच कराकर मरम्मत कराई जाए व जरवल रोड से उपधी मार्ग को तत्काल जांच कराकर मरम्मत कराई जाए। विकासखंड कैसरगंज के अंतर्गत आदमपुर रेवली मार्ग बहुत ही जर्जर है। इस वर्ष बाढ़ में कई जगह पानी निकलने लगा, इसलिए तत्काल प्रभाव से जांच कराकर मरम्मत कराई जाए। अगर सभी बिंदुओं पर गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन तथा प्रशासन की होगी। इस मौके पर पुत्तीलाल यादव जिला प्रवक्ता तहसील कैसरगंज और राधेश्याम यादव महासचिव समर सिंह वर्मा, युवा जिला महासचिव शिव सिंह यादव, तहसील कैसरगंज महासचिव रामराज सिंह, प्रमोद तिवारी जिला महासचिव, घनश्याम वर्मा जिला कोषाध्यक्ष, धर्मदेव सिंह युवा जिला अध्यक्ष, पुत्तीलाल यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। मेरा नाम पुत्तीलाल यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता जनपद बहराइच। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ विकासखंड जरवल के अंतर्गत अब्दुल्ला पकड़ी में एक नव निर्माणित जो है रोड का निर्माण हो रहा है जी। उस रोड में कई जगह पे प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से ट्रकों ट्रक बालू नीचे जो है दाबने का काम किया गया है जी। जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैंने लिखा पढ़ी में भी दिया है और डीएम साहब को भी लेटर भेजा है और पीडब्ल्यूडी मंत्री को भेजा है, और हम ये चाहेंगे कि उस सड़क को जांच करके नियमानुसार उसको बनाया जाए, अन्यथा हम संगठन के द्वारा उसका विरोध करेंगे और सड़क को बनाने में बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आपने ज्ञापन कहीं दिया? हाँ, ज्ञापन अभी हमने जो है ज्ञापन दिया है, नायब तहसीलदार के द्वारा ज्ञापन लिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि उसकी जो है जांच कर किए बगैर हम उसको नहीं बनने देंगे। जो और छोटी छोटी सड़कें हैं, जरवल से उपधि मार्ग है और 28 से नासिरगंज मार्ग है और झुकिया में धोबिन पुरवा मार्ग है, इनका मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश किया गया था नवम्बर में गड्ढा मुक्त सड़कें हों, लेकिन उनमें गड्ढा मुक्त न करके जहाँ जहाँ गड्ढा था वहाँ पे मिट्टी डालने का काम किया गया है यहाँ के प्रशासन अधिकारियों के द्वारा। हमने लिखा पढ़ी किया है और मैं इसका विरोध करूंगा। अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो मैं बहुत बड़ा जन आंदोलन करने पे बाध्य होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई मैं करा के ही मानूंगा। धन्यवाद।